नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 11 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, तो 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा, तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 20 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र, संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का आज ऐलान हो गया है, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है, 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र और 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा और 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल दीक्षा, देखिए 20 से तकरीबन 25 दिनों तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है और प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पे इसका ऐलान कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। अब शुरुआत ही कितनी हंगामेदार रहेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कई मुद्दे इसमें उठाए जा सकते हैं। पहला मुद्दा जिसने पूरे देश को लगातार पूरे देश में गरमाया हुआ ये मुद्दा, UCC का मुद्दा इसमें उठाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा देखिए 20 सत्र होंगे इसमें, और दूसरा मुद्दा ये होगा जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों में घूम रहे, यानी कि अधिवेशन का जो मुद्दा है वो इसमें उठाया जा सकता है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा है, केंद्र सरकार जो लेके आई है दिल्ली में, उसका मुद्दा इसमें उठाया जा सकता है। तो ये माना जा सकता है कि हंगामेदार सत्र रहने वाला है मॉनसून सत्र, और कई अहम मुद्दे जो है इसमें उठाए जा सकते हैं। हालांकि UCC को लेकर कई विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो लगातार समर्थन कर रही है, तो कुछ विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इसके समर्थन में नहीं उठेंगे। उद्धव ठाकरे की बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बाला साहेब ठाकरे के 3 सपने थे, उन सपनों में से एक सपना ये यूसीसी का है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कई शर्तों के साथ ऐलान कर दिया गया है, तो हम समर्थन कर रहे हैं। और इस समर्थन को लेकर साफ तौर पे कई ऐसी पार्टियां हैं जो सामने उतर के आ रही है, और देखने वाली बात होगी कि यूसीसी का ये जो बिल है ये रखा जाएगा मॉनसून सत्र में। इसके ज्यादातर हालात नजर आ रहे हैं और इसको पास किया जाता है या नहीं किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर लोकसभा की बात की जाए तो देखिए लोकसभा में तो साफ तौर पर यह पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें हैं और तमाम घटक दलों को मिलाकर 350 तक ये पहुंच जा रहा है। अगर बात की जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आ सकती है। विपक्षी दलों की बात की जाए तो राज्यसभा में कांग्रेस की 30 सीटें हैं, तो ऐसे में देखिए राज्यसभा में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है, लेकिन लोकसभा में यह बिल अगर बीजेपी की तरफ से रखा गया तो लोकसभा में साफ तौर पर यह पास हो जाएगा। हालांकि इसमें 20 सत्र होंगे, टोटल 20 सत्र होंगे, और इंडिपेंडेंस डे से पहले इस पूरे मॉनसून सत्र समापन हो जाएगा। इससे पहले 20 सत्र इसमें होंगे, और इस 20 सत्र में देखना होगा कि शुरुआती कितने ज्यादा हंगामेदार रहने वाले। दीक्षा स्वीटी, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत नए संसद भवन में होने वाली है, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यही हो जाती है कि 28 मई को जिसका उद्घाटन किया गया था देश के मुखिया द्वारा, उसमें पहला मॉनसून सत्र जो है वो होने जा रहा है, जो कि 20 जुलाई से शुरुआत होगी इसकी, और 11 अगस्त जो
11 अगस्त तक चलेगा। ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे बड़े संसद भवन में जो है इसके मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। जैसे कि मैंने भी बताया है पहले कि 20 सत्र में टोटल होने जा रहे हैं, हंगामे के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पहला मुद्दा यूसीसी का है, दूसरा मुद्दा जो दिल्ली में उठ रहा है, जो केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट किया जाए और इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई जाए सत्र में। तो पूरे आसार नजर आ रहे हैं और सबसे अहम बात तो यही है कि ये नए संसद भवन में जो है ये सत्र का आयोजन किया गया है और अब मॉनसून सत्र से नए संसद भवन का उद्घाटन आगाज होता हुआ नजर आएगा। दीक्षा स्वीटी, इस संसद भवन में इस बार मॉनसून सत्र में कई विधेयकों पर चर्चा हो सकती है, इसके साथ ही कई बैठकों पर भी होने वाली है, इसको लेकर जानकारी निकल के सामने आ रही है। अभी यूसीसी का मुद्दा है, इसके साथ अध्यादेश का मुद्दा भी है जो दिल्ली में लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पे सबके निगाहें बनी हुई है क्योंकि यूसीसी का मुद्दा काफी अहम हो जाता है। अगर यूसीसी का बिल पास हुआ तो देश में कई ऐसे विरोधी दल है जो लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो वहीं देखिए झारखंड की बात की जाए तो वहां पर आदिवासी समुदाय के लोग काफी ज्यादा रहते हैं और वहां से अभी शोर निकलना शुरू हो चुका है, इसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। तो दूसरी ओर देखिए कि कई लॉबर्ट ऐसे है जो लगातार ये कह रहे हैं कि यूसीसी आया तो देश विनाश की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हालांकि यूसीसी जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा बीते मंगलवार को कह दिया गया है, मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, कार्यकर्ताओं के संवाद के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यूसीसी हमारे देश में लागू किया जाएगा क्योंकि कई ऐसे देश है जहां पर यूसीसी लागू हो चुके हैं कुछ सालों पहले और अगर यूसीसी लागू नहीं हुआ तो हमारे देश की महिलाएं ऐसे है जिनसे कई ऐसे कानूनी चीज है जो उनसे छिन जाएंगे, उनको जीने का अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो यूसीसी लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूसीसी का मुद्दा है, दिल्ली में अध्यादेश जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल भी वो गए थे, मुंबई भी गए थे, वहां पे शरद पवार से भी मुलाकात की थी, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी, झारखंड में भी वो गए थे, वहां पर भी देखा था, वहां के सीएम से मुलाकात किया गया आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा और तमाम पार्टी जो है वो उनको समर्थन देने में हामी भर तो दी है लेकिन एक जो पेच अटक रहा है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस उनको समर्थन नहीं दे रही है, समय नहीं दे रही है और अब देखना होगा कि क्या दिल्ली में ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा रहा है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो बिल रखेगी उसको कितना समर्थन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। दीक्षा स्वीटी, ये मॉनसून सत्र काफी ज्यादा खास रहने वाला है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अगली खबर का, लखनऊ से सामने आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे हैं। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने सपा कार्यालय पहुंचे हैं सभी कार्यकर्ता। सपा कार्यालय के बाहर भंडारे का भी आयोजन किया गया है, स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश के सपा कार्यकर्ता बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, सभी उनके अच्छे भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो वहीं सपा कार्यालय के बाहर लोग नेता पहुंच रहे हैं जहां अखिलेश यादव को बधाई दे रहे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो कार्यालय के बाहर हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सपा के और इस दौरान स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और इस दौरान सपा कार्यकर्ता और नेता उन्हें बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है ट्वीट करके। इसके साथ ही मायावती ने भी उन्हें ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है। तो सपा कार्यालय के बाहर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं जिस दौरान अखिलेश यादव को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जिसमें उन्हें युवा दिलों की धड़कन और सर्व समाज का प्यारा बताया भी गया है। तो जगह जगह पोस्टर लगा के जन्मदिन की बधाई दी जा रही है अखिलेश यादव को। सपा कार्यालय के बाहर भी भंडारे का आयोजन किया गया है, इस दौरान स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है। सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जुटे हैं, इस दौरान अखिलेश यादव को लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनके जन्मदिन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो हजार की संख्या में कार्यकर्ता सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने सपा कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे हैं। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा, सपा कार्यालय के बाहर अभी काफी लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता उनको अखिलेश यादव को बधाई दे रहे हैं, क्या माहौल है वहां पे अभी? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 50वां जन्मदिन है। 50वें जन्मदिन को समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, सब अपने अपने अलग अलग अंदाज से मनाते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। सब अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग का भी लगाई गई है। होर्डिंग में जिसमें ये दर्शाया गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखा जा रहा है। ऐसे में आज 50वां जो जन्मदिन है, तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भंडारे का भी आयोजन किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 50वां जो जन्मदिन है वो अपने अपने तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। आशीष, पोस्टर भी लगाए गए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताया जा रहा है 2024 को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सब जो कार्यकर्ता है अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बकायदा हवन करते दिखाई दे रहे हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि सड़कों पर फल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि सड़कों पर होर्डिंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फखरुल हसन चांद जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और समाजवादी पार्टी कार्यालय जहां पर है उस रोड पर कई होर्डिंग लगाई है जिसमें 2024 के प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखा जा रहा है। हालांकि अभी 2024 का जो चुनाव है वो काफी दूर है, तैयारियां सभी राजनीतिक दल की पार्टियां कर रही, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चीज तो साफ है कि आज जिस तरीके से 50वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता अखिलेश यादव का टैटू लगा के बने हुए शरीर पर भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी कर रहे हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, मायावती ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। इसको लेकर कैसे मायने निकाले जा रहे हैं, क्या मायने लगाए जा रहे हैं इसके? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये 50वां जन्मदिन है और 50वें जन्मदिन की बधाई सभी राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं उन्होंने दी है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हो, सभी ने उनको 50वें जन्मदिन की बधाई दी है। ऐसे में जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के अंदर काफी हर्षोल्लास दिख रहा है जिस तरीके से आज जो कार्यकर्ता है अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि सड़कों पे उतर करके फल का वितरण कर रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि मंदिरों के बाहर बैठ करके हवन पूजन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। तो कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अपने शरीर पर उनके अखिलेश यादव का टैटू बना करके घूम रहे हैं। देखिए सब अपने अपने अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये कहा जाए जो सत्ताधारी सरकार ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है, तो उसके मायने देखिए कई निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि आज उनका जिस तरीके से 50वां जन्मदिन है वो उस 50वें जन्मदिन को कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आशीष, प्रदेश भर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कार्यकर्ता उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं उनकी जन्मदिन की, और जगह जगह पर स्टॉल लगाकर फलों का वितरण भी किया जा रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो सपा कार्यालय में अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं।
देखिए अखिलेश यादव सुबह करीब 11 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर वो पहुंचे हैं और वहां पर सभी कार्यकर्ता, मतलब कि ये कहा जा सकता है चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता सुबह से ही समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। सब अपने अपने तरीके से अखिलेश यादव को 50वें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कोई बुके देकर के बधाई दे रहा है तो कोई फल वितरण करके बधाई दे रहा है तो कोई हवन पूजन करके बधाई दे रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा किया है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भंडारे का भी आयोजन किया है कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो भंडारे का आयोजन करते हैं। तो सभी के अपने अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी सुबह से ही सबकी बधाइयां ले रहे हैं, सबकी बधाइयां कबूल कर रहे हैं। ऐसे में देखिए 24 का भी चुनाव है, 24 के चुनाव को लेकर के भी ये कहा जा सकता है कि एक बैठक भी की जा सकती है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आशीष, अखिलेश यादव का जन्मदिन उनके कार्यकर्ता बेहद हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं। तब तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।